दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल ऑपरेटर विथ हेल्पर में। हमारे पीछे जिस मशीन को देख रहे हैं जेसीबी का 120 मशीन है, और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 120 मशीन में कौन सा ऑयल कितना लीटर पड़ता है। सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि डीजल कितना पड़ता है, इंजन ऑयल कितना पड़ता है, तो सारी चीज़ें इसी वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि कौन सा ऑयल कितना लीटर पड़ता है 120 मशीन में। तो देखिए हमारे पास ये जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक आपका पड़ता है 253 लीटर का फ्यूल टैंक है जेसीबी 120 मशीन में। और इसके बगल में आपका आ जाता है हाइड्रोलिक का टैंक जो आता है, वो उसमें 73 लीटर ऑयल आता है हाइड्रोलिक टैंक में। और हाइड्रोलिक सिस्टम में जो ऑयल आता है पूरा सिस्टम में 124 लीटर का ऑयल आता है 120 मशीन में। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रैक मोटर है, ट्रैक मोटर में जो ऑयल पड़ता है ये 3 लीटर इच साइड, मतलब एक तरफ 3 लीटर और एक तरफ 3 लीटर, ठीक है। और आगे आपको स्विंग मोटर भी दिखाते हैं, उसमें कितना ऑयल पड़ता है, इंजन ऑयल कितना पड़ता है, कूलिंग पड़ता है, चलिए सब दिखा। जो ये स्विंग मोटर है, और स्विंग मोटर में जो ऑयल पड़ता है ये 2.2 लीटर ऑयल पड़ता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इंजन जो है, इसमें जो ऑयल पड़ता है, यहाँ पे देखिए इंजन ऑयल पड़ता है, और इंजन ऑयल आपका पड़ता है 14 लीटर। यहाँ पे देखिए रेडिएटर में कूलेंट और पानी मिला के डालते हैं, वैसे तो कूलेंट ही डालते हैं, लेकिन जब कुछ लोग पानी भी मिला के डाल सकते हैं। तो देखिए कूलेंट इसमें पड़ता है 15 लीटर, कूलेंट आप डाल सकते हैं, 15 लीटर कूलेंट इसमें पड़ता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में आप सारी चीज़ें जान गए होंगे कि कौन सा ऑयल कितना लीटर पड़ता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर किया हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल ऑपरेटर विथ हेल्पर को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप जेसीबी पोकलैंड किसी भी मशीन में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे आपकी सारी आने वाली वीडियो इसी टॉपिक पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद। In the dark, so won't get lost too.